दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्या प्लस चैनल में। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, आप सभी को ढेर सारा प्यार। साथ में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी से अभी देख लीजिए यहाँ पे 4 जनवरी 2024 बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हमेशा और हमेशा है ना न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहाँ कितनी वैकेंसी निकलती है, कहाँ क्या निकलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2023 और 24 के अंतर्गत जो रिक्त पदों पर नियुक्ति हैं इंटरव्यू के जो है वो जारी हो चुके हैं और सैलरी आपको जो 55,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये जो प्रतिमाह इसमें जो ईपीएफ जो भी होगा वो मिलेगा, ठीक है। पूरा ब्यौरा यहाँ पे जो दिया हुआ है ये यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है, यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, केवल और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से आपको इंटरव्यू जो है 15 जनवरी है ना 2024 11 बजे आपको जो है पहुंच जाना है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी में, ठीक है। वहां पर जाके भर्ती आप ये दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 65 वर्ष इसमें जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी आप ये देख सकते हैं। यहां पर जो है ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट, अगर गोंडा के आसपास के रहने वाले और गोंडा के अगर रहने वाले होंगे तो वो भी सब जानते होंगे। आज का अखबार में दिया हुआ है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। संविदा के आधार पर अगर भर्ती हो रही, संविदा पे भी यार 50-55 हज़ार सैलरी मिल रही तो कम नहीं है, ठीक है। आप सभी जानती हैं इसमें जो प्रधानाचार्य सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और गोंडा के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती जो निकाली गई है वॉक इन इंटरव्यू, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है ये आपको चिकित्सा चयन के लिए के अंतर्गत जो है ये किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ज़्यादा जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रधानाचार्य यहाँ पर जो है ये वो भी दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये जो है देख सकते हैं नीचे की तरफ। वहीं पर बात करेंगे इसमें इटावा में भर्ती निकाली गई UPUMS के अंतर्गत, यहाँ पर जो 209 पदों पर टेक्नीशियन स्टेनोग्राफर की जो है सरकारी नौकरी है ये आप ये सभी जानते होंगे। यहाँ पर जो है ये 10 जनवरी 2024 में आवेदन की अंतिम तिथि है। 12th क्लास पास एवं ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये वाला फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो मतलब यह है कि ये वाला फॉर्म जो आपको जो इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा काम क्या, केवल वैकेंसी बताना, आपका काम क्या, फॉर्म भरना और नौकरी लेना है ना। तो यहाँ पर जो है ये बात करेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है डिप्टी कलेक्टर पुलिस अधीक्षक व अन्य पदों पर भर्ती निकालेंगे 220 पदों पर जो है ये, जिसकी अंतिम तारीख की बात करेंगे 2 फरवरी 2024 है ये। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ फॉर्म आप ये जो भर सकते हैं। केवल ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए, आप सभी जब जानते हैं ये। और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ 1981 क्या मतलब कि इसमें सॉरी यहाँ पे जो है 921 पदों पर, थोड़ा गलत पढ़ दिया, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे जो है 921 पदों पर जो है SI एवं जो अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई 28 जनवरी 2024 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आप बनना चाहते हैं तो केवल आपने केवल ग्रेजुएट कर रखा हो केवल बस, और है ना, और ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म आप ये जो है भर देना। 921 पदों पर जो SI भर्ती दरोगा भर्ती आ चुकी है। बात करेंगे यहाँ पर जो है महोबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, यहाँ पर जो है ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत भर्ती आ चुकी है। ये थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इसकी जो है NIC वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर जाए विजिट करके जो है इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भर्ती का रास्ता हुआ साफ। तो यहाँ पर जो प्रदेश के जो है राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। यहाँ पर जो है भर्तियों का यहाँ पर भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो दिया हुआ है। यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज को जो है छोड़ के लोग बार जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये एक नई भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे जो है एक वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। छात्राएं 26 जनवरी की जो है परेड में करेंगी प्रतिभाग। यहाँ पर जो है ये बता देंगे, यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर चयन वो निरस्त हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से जो है ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है राजीव मेडिकल कॉलेज में आचार्य की भर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निरस्त कर दिया गया इसका जो है, ठंड की वजह से थोड़ी आवाज़ गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे मार्च में हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से इस साल PCS 2024 की परीक्षा जो होगी वो मार्च में होगी। यहाँ पर जो प्रस्ताव यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है, 17 मार्च है, लेकिन अंतिम तिथि अभी नहीं है। कहने मतलब क्या, हो सकता है फेरबदल हो जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो GS में आ सकता है ना, रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की पहली DGP। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो ये DGP हैं पहली महिला बनी हुई हैं, तो सीधी सी बात क्या है, इनका क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पे जो PCS प्री के लिए जो है केंद्र निर्धारण की जो कवायद तेज हो इसमें हो चुकी है। सूबे के 54 जिलों में जो आयोजित की जाएगी जो है ये भर्ती जो है PCS की। साथ में जो बताया कि यहाँ पर प्रधानाचार्य से जो भरवाए जा रहे हैं सहमति पत्र, तो यहाँ पर जो है सहमति पत्र दे रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि अगर आपके स्कूल में जो है पर्याप्त व्यवस्था है, बस स्टेशन कलेक्टर के आसपास जितने भी स्कूल हैं वो सब जो हैं रिजर्व कर लिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। ये बात करें यहाँ पे जो फंस गई है शिक्षकों की पदोन्नति, जो प्रमोशन थे फंस चुके 12,460 जो है ये भर्ती कोर्ट में चली गई। यहाँ पे शिक्षक भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये अब जो है कोर्ट के आदेश के अवशेष ही पदों पर जो है शामिल होने के अभ्यर्थी नियुक्ति के आदेश के बाद सचिव से ये कर सकेंगे। तो फिलहाल क्या है, अभी रोक लगा दी गई है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास ये लेटर आया था, तो लेटर पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये पूरा ब्यौरा यहाँ पे जो दिया हुआ क्यों रोक लगाई है। यहाँ पर जो है पदोन्नति जो है अब नहीं होगी, यहाँ पर भी फिलहाल लिखा हुआ है, फिलहाल अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर जो रोक लग चुकी है। और एक केस नंबर और रिट नंबर भी यहाँ पर जो है वो दिया हुआ 3 तारीख की, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये, फिलहाल यहाँ पर रोक लग चुकी है। यहाँ पर जो है सीधी सी बात यह है कि अभी कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला है, बार बार कमेंट कर रहे हैं सर वाला फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो प्लीज़ भर दीजिएगा यार। एक बार एक एक सीट के लिए इतनी मारामारी चलती है, 14 जनवरी इसमें लास्ट डेट है यहाँ, है ना। तो इंटर कॉलेज में जो बलभद्र इंटर कॉलेज है ये भर्ती निकाली गई है, फॉर्म अगर नहीं भरा तो प्लीज़ भर दीजिएगा। यहाँ पर जो 21 दिन का बताया गया था, आप 21 दिन तक, तो 21 दिन आप समझ रहे हैं ना, 23 तारीख को विज्ञापन जारी किया गया और यहाँ 21 दिन के लिए पूछा गया, तो 14 जनवरी है इसमें। तो जिन्होंने ट्रिपल सी कर रखा है, पैट क्वालिफाइड कर रखा है, तो यहाँ फॉर्म आप ये जो भर दीजिएगा। बात करें कमेंटों की ओर, तो उससे पहले पहले जो इंटर कॉलेज में जो क्लर्क भर्ती और जो चपरासी भर्ती चल रही है, वो क्लर्क भर्ती जो होगी वो बहुत जल्द कराई जाएगी, और अभी भर्तियाँ चल भी रही हैं, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, अभी बलभद्र इंटर कॉलेज में भर्ती निकली, अब धीरे धीरे जो है सारे जो है मैनेजमेंट कॉलेज जाएंगे और वो परमिशन लगाएंगे जिस तरीके से। कल का वीडियो आप देख लीजिए, आपको इस पर समझ में आ जाएगा, बोले ये वाला वीडियो कल का शाम का देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे चपरासी भर्ती बहुत जल्द इसमें जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होने वाली है। यहाँ पर देखो लखनऊ की मेरिट लिस्ट कब बनेगी भाई, मैंने आपसे बोला फॉर्म भरने के कम से कम 10 दिन तक तो कम वेट करना ही पड़ता है, अब फार्म की छटनी होती है सब। परिणाम गाजीपुर में जो मादेश्वर विभाग में जो चपरासी भर्ती का फॉर्म जो है कितना फॉर्म भरा गया बताइए सर। देखो इतना तो खैर मैं जानकारी अधिकारी से पूछ के ही बता पाऊंगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन मैं देता नहीं हूँ, सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर जो है ये क्या लिखा है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, मैं ये कमेंट नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी ये जो है, तो कमेंट का रिप्लाई आप ही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो आदमी बनाया गया सीसीटीवी कैमरे को, ठीक है, यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि जिला सहकारी बैंक में भर्ती कब आएगी, भाई एक बार बताइए, बंधन बैंक में भर्ती आ चुकी है, आपने फॉर्म नहीं भरा है। इसके बाद भाई फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो सर इसमें जो है गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताइए। देखो टीचर की अभी जो पीछे निकली हुई हैं, कहाँ निकली हैं, ये आपका DSSB दिल्ली सरकार में जो है गवर्नमेंट जो नौकरियाँ होती हैं वो निकल चुकी हैं, ठीक है। आपने फॉर्म नहीं भरा, प्लीज़ भर दीजिएगा। MTS की वैकेंसी स्कूल में आ गई, इसमें होगी या नहीं भर्ती होगी, अभी ऐसी बात, इटावा में कॉलेज चपरासी, इटावा में भर्ती आ चुकी, इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया, फिलहाल चपरासी भर्ती नहीं है, तो कोई और भर्ती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरी प्लस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।